बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। जी हां, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी स्वीकार किया गया है या नहीं, जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेज दिया है। और पंजाब की राजनीति, पंजाब कांग्रेस स्थिर जो दिखाई दे रही थी, वो एक बार फिर से अस्थिरता का माहौल उसमें पैदा हो गया है। क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ कारण है, जानने की कोशिश करते हैं। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ कारण है, किसने इस्तीफा दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा भूचाल जो है पंजाब की राजनीति में फिर से आ गया है। हाल ही के दिनों में जो मुख्यमंत्री चेंज हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, एक भूचाल तब आया था, एक भूचाल आज आ गया है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनको इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस्तीफा की पेशकश की है, हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। देखने वाली बात क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी पसंद का मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नहीं बन पाया है, ऐसी अटकलें बाजार में हैं। तो देखने वाली बात ये होती है कि जो सोनिया गांधी की तरफ से उनका इस्तीफा स्वीकार होता है नहीं होता, हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। जो अटकलें तो है वो यही लगाया जा रहा है कि उनकी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं है जी। लेकिन किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो रवि किया जाएगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर के तो खासा विरोधी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी लगातार जो बगावती सुर थे उनके द्वारा इख्तियार किए गए थे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, लगातार यही चीजें मार्केट में जो है लोगों के सामने आ रही थी कि किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर को चरणजीत सिंह चन्नी अपना जो है जून के प्रति टिप्पणियां करते थे या फिर जो बयानबाजी होती थी वो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के सामने आती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू गुट के बताए जा रहे थे। हालांकि अब जो इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है, इसकी जो सारी चीजें हैं वो निकल कर सामने, जो नवजीत इस्तीफे में कोई कारण उन्होंने स्पष्ट किया है क्या रवि, ऐसी कोई जानकारी? एक चीज उन्होंने उनकी तरफ से कही जरूर गई है कि पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो ये चीज काफी मायने वाली जो है निकलकर सामने आती है, किस खिलवाड़ की वो बात कर रहे हैं, हालांकि इसका जवाब जो है नवजोत सिंह सिद्धू ही दे सकते हैं जी। बहुत धन्यवाद रवि आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा है, उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, द कोलैप्स ऑफ ए मैंस कैरेक्टर स्टीम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब्स फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब, देयरफॉर आई हियरबाय रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस, यानी कि उन्होंने अभी सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दिया है, उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कारण है सर, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है लेकिन ये एक और विस्फोट नवजोत सिंह सिद्धू ने दे दिया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था पार्टी का एक बड़ा सीधा सा निर्णय है कि अब दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। सिद्धू जी अगर अपने आप को भगवान समझते हो तो भगवान कोई भी नहीं है। पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी कार्यकर्ता के लिए। पार्टी ने उन्हें मान दिया, सम्मान दिया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, और आप जानते हैं कि भाई सिद्धू जी के चक्कर में किस तरह का तमाम तरह के पार्टी को एक विपरीत माहौल भी देखना पड़ा पार्टी के अंदर। उसके बावजूद भी पार्टी ने बगैर दबाव में आए वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर उसको लेकर किसी को नाराजगी है तो रहे, हमारा एक सीधा सा निर्णय है पार्टी हाईकमान का कि दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, जिसको रहना है रहे, जाना हो जाए, लेकिन अगर रहना है पार्टी में तो पार्टी की नीतियों को, नियमों को उनकी पालना करनी होगी, जो पार्टी का एक डेकोरम है, जो एक संस्कार है, उनके अनुसार पार्टी में चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें क्या परेशानी है, किस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। उम्मीद तो यही है कि हम उनकी नाराजगी दूर कर लेंगे, बाकी समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं।
निश्चित तौर पर ऐसा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक तरीके से सीधे ही सवाल उठा दिए, तो सर सवाल यहां पर यह उठता है कि चरणजीत सिंह चन्नी का जब नाम प्रस्तावित किया गया था, विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया था, तो क्या उसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति नहीं थी क्या? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूं पार्टी की तरफ से कि जो पार्टी के विधायक होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, दोबारा से सत्ता में आने के लिए अपनी भागीदारी चुनाव को लेकर करनी है, उनकी राय सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कार्यकर्ताओं की राय सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अध्यक्ष जी की भी उसमें राय होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ अध्यक्ष जी के आधार पर ही चले। मुख्य जो राय है वो कार्यकर्ताओं की और विधायकों की जानी जाती है। तो उसमें चरणजीत सिंह चन्नी फिट हुए। आपने देखा होगा दूसरी पार्टियों ने वादे कर रखे हैं चुनाव में कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे दलित समाज के व्यक्ति को। कांग्रेस ने तो उनसे भी चार कदम आगे बढ़ के काम किया है एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। तो अगर वो किसी को रास ना आए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने तो सिद्धू जी से भी सलाह ली थी, सभी की सलाह से ये काम हुआ था। आज सिद्धू जी अगर कोई और भाषा बोल रहे हैं तो उसका मुझे समझ में नहीं आता। फिर राहुल जी की एक ही बात समझ में आती है मुझे कि पार्टी में कुछ आरएसएस के लोग घुसाए हैं, जो जाना चाहें जाएं और रहना चाहते हैं तो सर पार्टी में सब कुछ आपके संभाले में नहीं आ रहा तो दूसरे के ऊपर ठीक रहा फोड़ देंगे। ठीक है, विरसा सिंह मंतोहा जी श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। विरसा जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं सर नवजोत सिंह सिद्धू के इस इस्तीफे को? देखिए, सुबह मेरी किसी चैनल पे बात चल रही थी जी, तो मैंने उनको बोला था कि दो चार दिन में ये आपस में जूतों से दाल बांटेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू फिर अपने उसी तौर तरीकों पे आएंगे, कटाक्ष करेंगे, किंतु परंतु करेंगे। तो किंतु परंतु वाली बात तो किधर रह गई, किसी तरफ रह गई। तो उन्होंने तो सीधा रिजाइन कर, यहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है। नवजोत सिंह सिद्धू ना तो किसी पार्टी के कभी बने हैं, तो ना किसी नेता के बने हैं, तो ना कभी उनमें संजीदगी आई है, ना कभी किसी मर्यादा का उन्होंने पालन किया है। राजनीति की भी एक मर्यादा है। आप देखेंगे कि जहां भी जाते हैं पहले उसको पिता बनाते हैं, हाँ जी, तो जी। फिर उसकी पगड़ी को हाथ डालते हैं। तो ये जिस आदमी का किरदार हो जी। तो पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर लगातार हमले करते रहे, उनकी सरकार पे हमले करते रहे, मुख्यमंत्री चन्नी जी बन गए, और जिस दिन चन्नी जी मुख्यमंत्री बनते हैं दूसरे तीसरे दिन इनकी स्टेटमेंट थी कि मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुई है। और जैसे चन्नी जी का चुनाव हुआ है मुख्यमंत्री के लिए, और जैसे चन्नी जी काम कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, मेरी तो रूह खुश होगी। पता नहीं कौन सी रूह है इसकी कि पल भर में इधर की उधर चल जाती है। ये भटकती आत्मा है। जो भटकती आत्माएं होती हैं उनपे विश्वास करना या उनसे कोई आस करना ये अपने आप को धोखे में रखने वाली बात होती है। क्या आपको लगता है अकाली दल को कोई सकारात्मक या नकारात्मक फर्क इसका पड़ेगा आने वाले चुनावों में, इस तरह की जब अस्थिरता कांग्रेस में देखने को मिल रही है? मैं आपको एक बात बता दूंगी, सरदार सुखबीर सिंह बादल जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टेज पे बहुत बड़ी गैदरिंग में, बहुत बड़ी रैली में भावुक होते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि जिसने भी बेअदबी करवाई है, जिसने भी की है, जिसने भी उसके दोषियों को बचाया है, या जिसने भी उस पर गंदी राजनीति की है, उसका कुछ भी ना रहे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। ये लोग गंदी राजनीति करने वाले हैं। ठीक है, जो गंदी राजनीति करने वाले हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो जलाल से उनको हटाना पड़ा। ठीक है, तो सुखपाल सिंह खैरा थे, सिमरजीत बैंस थे, और बहुत से नाम है, उनमें नवजोत सिंह सिद्धू भी था जिसने इस पे बहुत बड़ी गंदी सियासत की थी। तो आज उसका हाल है ये, सर सुखबीर सिंह बादल का जो अरदास की थी उसी के कारण है। ठीक है, विजय कौशिक जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा इन तमाम सवालों का जो उठ रहे हैं, विश्वास को लेकर उठ रहे हैं। उनका वो कहना है कि अभी तक जो ये कह रहे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी के आने के बाद मेरी रूह खुश हो गई है, जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको ये ट्वीट करना पड़ा कि ये चरित्र का हनन है कि कोई समझौता करके किनारे में बैठा रहे? क्या समझौता हो रहा है सर?
देखिए मैं तो सिर्फ एक चीज कहूंगा, जहां तक उनके चरित्र का सवाल है तो वो उनका निजी विषय है। अगर उनका चरित्र बार बार बदलता है और जनता उसे देख रही है तो उसका नुकसान सिद्धू जी का ही होगा। पार्टी के तो अपने एक नियम है ना, अगर वो उनमें बंद कर चलेंगे, अगर मान लीजिए उनकी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने और वो बन गए और उनकी रूह खुश हो गई, और रूह खुश होने के बाद भी वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि समाज में गलत मैसेज जाए, तो इसका नुकसान तो उन्हीं को ही है ना, सिद्धू जी को ही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ कि भाई हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ अपने विधायकों और जो हमारी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। ये जो चरणजीत सिंह चन्नी का जो निर्णय हुआ था ये सभी की सहमति से हुआ था, इसमें सिद्धू जी भी शामिल थे। अब रोज रोज तो पार्टी उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, अब ये तो है नहीं ना कि वो कल को कुछ और कहने लगे तो उनके हिसाब से चलेगी। पार्टी किसी के व्यक्तिगत कहने से नहीं चल सकती। हमारे सामने समस्या ये है, सिद्धू जी अगर रोज रोज अपने व्यक्तित्व को चेंज करेंगे या रोज नई नई डिमांड रखेंगे तो संभव नहीं है पार्टी के लिए। जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, पार्टी की नीतियों के हिसाब से उन्हें चलना ही होगा। अब सिद्धू जी को मनाएंगे या हड़काएंगे सर? देखिए जी, मनाना हड़काना दोनों ही चीजें होती है राजनीति में। भाई हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, मनाने की तो कोई बात है ही नहीं, समझाने की बात है। अगर उनको समझ में आती है तो ठीक है, वरना जिंदगी उनकी है, राजनीति उनकी है। उन्हें गड्ढे में गिरना है या खाई में गिरना है ये तो उन्हें तय करना है, या कांग्रेस में रहकर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो ये उन्हें तय करना है। कांग्रेस में तो है ही, इस्तीफा पद से दिया कांग्रेस से नहीं, तो ये भी उनकी महत्वाकांक्षा है कि आगे तो बढ़ना ही है। अब आगे नहीं बढ़ पा रहे इसलिए तो इस्तीफा दे रहे हैं सर। नहीं, अगर कोई ये चाहता है कि चार दिन में उसे प्रधानमंत्री बना दें, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी तो रेलवे प्लेटफार्मों पर चाय बेची थी ऐसा कहा जाता है। तो सिद्धू जी जो है अगर कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वो तो किसी के बस की बात नहीं है। काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाएगी। पहले काम तो करके दिखाए ना, पार्टी ने कब मना किया है? अगर पंजाब की जनता चाहेगी कि सिद्धू मुख्यमंत्री बने तो क्या पार्टी हाईकमान मना कर देगी? लेकिन जो इस तरह की अस्थिरता चल रही है तो कांग्रेस को आपको लगता नहीं है कि नुकसान होगा इस चीज से? क्योंकि अब शिरोमणि अकाली दल के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वीर शाह जी, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जनता देख रही है किस तरह से इनका वो चल रहा है। फायदे नुकसान निर्भर करते हैं परिस्थितियों के ऊपर। पार्टी हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने निश्चित तौर पर पंजाब की जनता को एक संदेश दिया है कि भाई हमारा मकसद एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना था जिससे कि दलितों को, वंचितों को, जो उनकी एक भावना है कि उनके उनको भी नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। पंजाब के इतिहास में पहली बार ये मौका मिला है। अब चरणजीत सिंह चन्नी अगर वहां काम करके दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में भी विधायक जीत कर आएंगे, और हमारी सरकार को बनना कोई बड़ी चीज नहीं है पंजाब के अंदर। चन्नी जी के काम अगर पार्टी को दोबारा से सत्ता में ले आते हैं तो सिद्धू जी अगर आज जो नखरे दिखा रहे हैं या कोई समस्याएं दिखा रहे हैं तो उनकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी। चन्नी जी की मेहनत और उनके चमत्कार को देखकर तो सब परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। जी बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। वीर शाह जी बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये अपडेट्स आप साथ साथ देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से वो नाराज थे। कैप्टन के करीबी को मंत्री बनाया गया, इस बात से नवजोत सिंह सिद्धू में काफी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी, और नवजोत सिंह सिद्धू ने इसीलिए कारण बताया जा रहा है कि इस्तीफा दिया। और अपने इस्तीफे में जो अंग्रेजी में उन्होंने ये लिखा है वो साफ तौर पर ये संकेत करता है कि अपनी इच्छाओं के साथ समझौता करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा पतन का कारण होता है, इसलिए मैं पंजाब हित में अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अब समझौता नवजोत सिंह सिद्धू को कहां करना पड़ रहा है? ये मायने समझने वाली बात है कि राणा गुरजीत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, क्या नवजोत सिंह सिद्धू इस बात से नाराज थे? और वो नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने बिना किसी को दर्ज कराए ही अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस तरह की बात सार्वजनिकली पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी नहीं आई कि नवजोत सिंह सिद्धू राणा गुरजीत को मंत्री बनाए जाने से नाराज है।
उनका इस्तीफा आया, उसके बाद ही इसी तरह की बातें सामने निकलकर आ रही हैं। लेकिन आज कैप्टन अमरेंद्र सिंह का दिल्ली में आना, भाजपा के बड़े नेताओं से मिलना और आज ही नवजोत सिंह सिद्धू का अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना, पंजाब की राजनीति के लिए दो बड़े एटम बम है ये, क्योंकि पूरी राजनीतिक अस्थिरता जो है वो यहां से पैदा होने के एक बार फिर से अंदेशे अब लगने शुरू हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। हालांकि वो अभी कांग्रेस में रहेंगे, ये भी उन्होंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि उन्हें मनाने का, उनसे बात करने का, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि तस्वीर क्या कुछ रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सदैव काम करता रहूंगा, लेकिन अभी अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी अपडेट आपको दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और यह पंजाब की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है। हालांकि पार्टी के अंदरूनी नाराजगी को ही उनका मुख्य कारण बताया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में बवाल इसी के साथ नजर आ रहा है, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद